गोपाल कृष्णन 1987 बैच के भारतीय रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अफसर हैं। उन्होंने DGCA को IPL पास के लिए मार्च में फोन किया और फिर अप्रैल में पत्र भी लिखा। अफसर के खिलाफ विभाग के नोटिस पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने कार्रवाई की। नई दिल्ली। वरिष्ठ नौकरशाह गोपाल कृष्णन गुप्ता को इंडियन प्रीमियर लीग IPL के पास मांगना भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यालय कम करते हुए उन्हें होम कैडर भेज दिया। गुप्ता ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन DGCA से कम्प्लीमेंट्री पास की मांग की थी। इस पर विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर नियुक्ति मामलों की समिति ACC ने उन्हें होम कैडर भेजने का फैसला किया। ACC के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अफसर के लिखे पत्र को पब्लिक में शेयर किया। गोपाल कृष्णन 1987 बैच के भारतीय रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स IRSME के अफसर हैं। वे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं। उन्होंने मार्च 2019 में IPL कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए DGCA कार्यालय में फोन किया था। इस दौरान उनकी बात DGCA अध्यक्ष रजत शर्मा की असिस्टेंट सपना सोनी और अन्य स्टाफ से बात हुई थी। इस बातचीत के कुछ दिन बाद जब DGCA की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने 3 अप्रैल को DGCA अध्यक्ष के नाम एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में गोपाल कृष्ण ने फोन पर हुई बातचीत को भी लिखा था। इस पत्र को ACC के सामने पेश किया गया। इसके बाद गोपाल कृष्णन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। ACC ने इस पत्र की एक कॉपी को जनता के बीच शेयर भी किया। Let's block ads, why?